कोरोना की जो अभी थर्ड वेव रही, सेकंड वेव रही दिल्ली में और देश भर में, उसमें ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार हुआ, दिल्ली में भी कई हॉस्पिटल्स में खूब शोर मचा, हमारे जो कंट्रोल रूम्स थे वहाँ भी बहुत समझ में आया कि ऑक्सीजन का क्राइसिस हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को बहुत गंभीरता से लिया, सरकार के सामने, केंद्र सरकार के रोल के सामने सवाल खड़े किए हुए हैं। सारे डॉक्टर्स गंभीर हैं, मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की दिक्कत हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहे हैं गंभीरता से। तो जितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट भी सवाल कर रहे हैं, जितनी गंभीरता से और लोग सवाल कर रहे हैं, उतनी ही अगंभीर सरकार है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रही कि ऑक्सीजन का क्राइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ। उसको अगर हम गंभीरता से लें तो कम से कम अगर थर्ड वेव आती है और उसमें इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार इसको संजीदगी से ले। अब आज के अखबारों में मैंने खबर पढ़ी कि केंद्र सरकार कह रही है कि उसने राज्य सरकारों से पूछा है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की डेथ कितनी हुई, और अखबार की रिपोर्ट बता रही है कि 13 राज्यों से जवाब मिला है, एक राज्य ने कहा है कि डेथ हुई है और बाकी राज्य कह रहे हैं कि नहीं हुई है। थोड़े दिन पहले भी मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी कि केंद्र सरकार ने 13 अगस्त तक का समय दिया है राज्य सरकारों को कि वो बताएं कि क्या डेथ हुई है, क्या ऑक्सीजन से उनके यहां कोई डेथ हुई है। मैं जब से केंद्र सरकार ने ये कहा है या केंद्र सरकार के हवाले से खबर छपी अखबारों में कि वो राज्यों से पूछ रहा है, मैं लगातार इस बात को अपने यहाँ से पूछ रहा हूँ, अपने अधिकारियों से भी, केंद्र सरकार से कोई क्वेरी आई है, केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी आई है। आज तक केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी नहीं आई है कि भाई क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई। और केंद्र सरकार खुल के कह देती है कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो मौत ही नहीं हुई, राज्य बता ही नहीं रहे मौत हुई कि नहीं हुई। आप राज्यों से पूछोगे नहीं, आप राज्यों को काम नहीं करने दोगे कि भाई इस पे जांच करो, और आप कह दोगे राज्य बता नहीं रहे, राज्य बताएंगे कहां से जब आप राज्य से पूछोगे नहीं। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से कोई चिट्ठी नहीं मिली है जिसमें वो ये पूछ रहे हों कि साहब दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई थी कि नहीं हुई थी। जब आपने चिट्ठी नहीं लिखी तो आप ये दावा क्यों कर रहे हो कि राज्य सरकार बता नहीं रही है, राज्य सरकार जवाब नहीं दे रही है, राज्य सरकार बता नहीं रही है कि ऑक्सीजन कमी से मौत हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, और बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। हम आज ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी, हो सकता है हुई हो, हमने इसके लिए जांच कमेटी बनाई थी, उसको आपने एलजी साहब से कहकर रुकवा दिया। अब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार बता नहीं रही, आप राज्य सरकार से पूछ नहीं रहे। तो मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि थर्ड वेव का खतरा सर पे है, ऑक्सीजन का जो क्राइसिस हुआ देश भर में उसका दर्द अभी लोग भूले नहीं है, और थर्ड वेव अगर आती है तो ऑक्सीजन का क्राइसिस फिर से हो सकता है। इसलिए पूरी गंभीरता से ले इस चीज को, और अगर राज्यों से भी डेटा लेना है तो राज्यों से लिख के पूछे, राज्य बताएं। ये राज्य बता नहीं रहे, राज्य बता नहीं रहे, या राज्यों ने कह दिया है, आपने राज्यसभा में भी बोला कि राज्यों ने जानकारी नहीं दी, फिर कह दिया राज्य बता देंगे हुई कि डेथ हुई कि नहीं हुई। तो एक तो राज्यों के साथ इस पर संवाद रखें, और दूसरा हम, क्योंकि आपने तो पूछा नहीं है अभी चिट्ठी लिख के दिल्ली सरकार से, लेकिन आप पूरे देश में परसेप्शन ये बना रहे हैं कि राज्य जवाब नहीं दे रहे हैं, राज्य बता नहीं रहे। तो हमने ये तय किया है दिल्ली सरकार ने कि हम अपनी पूरी जानकारी आपको लिख के भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा नहीं है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, लेकिन इस पे हम अपना जवाब बना के भेजेंगे, और उसको ही आप सुप्रीम कोर्ट में रखें, उसको ही आप पब्लिक के सामने रखें, उसको ही आप संसद में रखें।